हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जामिनेशंस 2020 जिसमें सीबीएसई और सीआईएसई ने डिसीजन लिया कि कुछ पेपर्स बाकी थे और जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला कि एग्जामिनेशंस को स्कूलों को बंद किया जाए, एग्जामिनेशन को रोका जाए, तो उसे री एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया क्योंकि उस समय कोविड वायरस की स्टूडेंट एंट्री थी, 500 लगभग केसेस पर डे आ रहे थे। जो वहाँ पर जो डिसीजन लिया गया बोर्ड की तरफ से सही डिसीजन था क्योंकि और रिजल्ट प्रिपरेशन उस समय जो पेपर हो चुके थे उनके मार्क्स के एवरेज के हिसाब से रिजल्ट प्रिपरेशन हुआ। स्टूडेंट्स जो रिजल्ट प्रिपरेशन हुआ उससे पेरेंट्स भी खुश थे और बच्चे भी खुश थे। 2021 में पहले क्लास 10th का रिजल्ट कैंसिल हुआ, बाद में क्लास 12th को पोस्टपोन किया गया, फिर बाद में क्लास 12th को कैंसिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बच्चों ने काफ़ी ट्वीट किया, फिर उसके बाद बहुत सारी पार्टियां बीच में आ गई जिसमें केजरीवाल जी और फिर उसके बाद प्रियंका गांधी जी, इनका ट्वीट आया कि एग्जामिनेशन कैंसिल किया जाए, क्लास 12th का भी एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ। तो स्टूडेंट्स ये 2021 में भी जो डिसीजन लिया गया क्योंकि कोविड बहुत पीक पे चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया और ये भी डिसीजन काफ़ी पेरेंट ने मतलब पेरेंट भी खुश हुए, बच्चे भी खुश हुए और सभी लोग खुश हुए कि चलो ये डिसीजन अच्छा था सेफ्टी के हिसाब से। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट 2022 में वापस स्कूल तो चालू नहीं हो पाए थे, ऑनलाइन स्टडी चालू थी, पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए सीबीएसई सीआईएसई दोनों ने और बोर्ड ने ये डिसीजन ले लिया कि एग्जामिनेशन होगा चाहे ऑनलाइन मोड से हो चाहे ऑफलाइन मोड से। ये भी डिक्लेयर किया बोर्ड को, दो टर्म में कन्वर्ट किया गया, सिलेबस को रिड्यूस किया गया, ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हो गई और ये भी बोला गया कि ऑनलाइन एग्जाम भी हो सकता है और ऑफलाइन एग्जाम भी हो सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी सारे डिसीजंस चेंज किए गए पर फाइनली लास्ट में ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया कोविड प्रोटोकॉल के साथ में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2022 एग्जामिनेशन जब कंडक्ट किए गए उसके बाद जब रिजल्ट आए, रिजल्ट काफ़ी संतुष्टि थी, फिर इसके बाद 2023 में स्टूडेंट अभी डेट सीट रिलीज़ हो गई है, वापस कोविड वायरस के फिर से एंट्री हो रही है। देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है, पर आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू करती रहनी है।